अ वेरी गुड मॉर्निंग, और अभी टाइम हो रहा है 5:30। सनराइज अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। बस मैं यही सोच रही थी कि आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ सनराइज के साथ। तो मैं आ गई हूँ टेरेस पर और अभी कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री स्काई दिख रहा है, बर्ड्स दिख रही हैं थोड़ी बहुत उड़ती हुई, और बिल्कुल है फ्रेश एयर। पहले कहाँ मिलती थी ऐसी फ्रेश एयर, जब से लॉकडाउन हुआ है तो बिल्कुल साफ हवा हो गई है। और वो होना शुरू हो गया है सनराइज, अगर आपको कैमरे में दिख पा रहा है तो। वो छोटा सा दिख रहा है यहाँ से तो, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। आज मॉर्निंग में सनराइज देखकर बहुत ही अच्छा लगा, और अब मैं सोच रही हूँ कि ये न्यू बेडशीट बिछा लेती हूँ, और ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है ब्राउन कलर पे। काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स हैं इसमें, येलो, ग्रीन, रेड, और अच्छी सी पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है न्यू बेडशीट बिछाकर। कुछ दिन पहले हमने कुछ प्लान करा था कि थोड़ा बहुत जितना भी हमसे हो सकेगा थोड़ा सा पुअर पीपल की हम हेल्प करेंगे, क्योंकि आजकल सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से किसी के पास कुछ काम नहीं है। जो गरीब लोग हैं उनकी तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, उन्हें खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। अपर क्लास लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास जो होते हैं, उनका तो फिर भी चल रहा है, उनको कोई परेशानी ऐसी खास नहीं हो रही। बट जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी सिर्फ उनको ही हो रही है। तो बस काफ़ी दिनों से मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सके मैं कुछ करूँ उनके लिए। तो आज मेरा डे पॉजिटिव स्टार्टिंग हुई थी मेरे डे की, और अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं कुछ जैसे जो भी हमारे डेली यूज़ की खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे चावल, चीनी, पत्ती, और जो भी हमारे रेगुलर यूज़ में हमें चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें, ऑयल है इसमें, तो हमने कुछ पैकेट्स बनाए हैं, और जो भी ज़रूरतमंद होंगे कोशिश करेंगे कि उन तक ये पैकेट्स हम पहुँचा सकें। और मैं सबसे यही कहूँगी कि आपसे जितना भी हो सके ना आप करिए, बस गरीब लोगों के लिए आप करिए। चाहे हम ज़्यादा लोगों को नहीं खिला सकते, लेकिन चाहे हम एक को ही खिलाएं, कुछ तो हमें करना चाहिए ना। ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कुछ करें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि पैकिंग करने से पहले ना हमने अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। तो जी, यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और ये थोड़े से मेरे कल राइस बच गए थे, तो वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे खाना, और ये तो काफ़ी सारे राइस बच गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इनके मैं फ्राइड राइस बना लेती हूँ, और फ्राइड राइस मैं बिल्कुल इंडियन स्टाइल वाले बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वही वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल डाला है पैन के अंदर, और अब मैं इसमें डालूंगी राई। जब राई चिक 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 हो जाएगी ना, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, टमाटर, भूनूंगी उन्हें। कड़ी पत्ता भी हाँ ऐड करूंगी इसमें, क्योंकि कड़ी पत्ते का तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फ्राइड राइस जो इंडियन फ्राइड राइस होता है ना, उसमें अगर आप कड़ी पत्ता मिलाएं, अगर आपने मिलाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है। उसके बाद टमाटर डाल के, टमाटर को मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह से फ्राई करना है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डालूंगी, मैंने हरी मिर्च भी डाली थी इसमें, और ऊपर से मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। हल्दी नहीं डालती मैं इसमें, वैसे तो इंडियन स्टाइल है तो आप कहेंगे हल्दी भी होनी चाहिए, कभी डाल भी लेती हूँ, बट आज मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने बचे हुए राइस, और अच्छी तरह से कर लेते हैं इसको मिक्स।
और अब थोड़ी सी गर्मी तो शुरू हो ही गई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी तो हो गई है, तो दिल करता है कि कुछ शिकंजी वगैरह पी ली जाए गर्मियों में। तो यहाँ पर मैं चीनी को जो गर्मियों में ना पीस के रख लेती हूँ, जैसे कि बार बार मुझे चीनी को मिक्स ना करना पड़े, टाइम सेव हो जाता है उससे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीनी को पीस के रख रही हूँ। तो यहाँ पर चीनी पिस चुकी है बहुत ही अच्छी, तो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे बार बार चीनी को घोलने में, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसमें यह होता है कि फटाफट स्पून लिया, दो स्पून लिए, तीन स्पून लिए, जितने भी आप डालना चाहो और जो भी आपको इसमें ऐड करना है, लाइक नींबू या फिर शिकन रू अफज़ा, शिकंजी तो नींबू की ही बनती है, तो फटाफट से बस बनाया और पी लिया। और जैसा कि वेस्ट नहीं करना है तो मैं लगी हुई हूँ इसको बिल्कुल अच्छी तरह से निकालने में, कि इसमें ना थोड़ा भी रह ना जाए बस। और आज ये मैंने मठियां भी बनाई थी, तो मठियों की वीडियो मैंने शूट नहीं करी क्योंकि वो पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं मठियाँ कैसे बनाती हूँ। आज ये सेकंड टाइम बनाई है और आप देख सकते हैं मठी बिल्कुल अच्छी अच्छी लग रही है, देखने में भी और खाने में भी टेस्टी है। तो पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने मठी बनाई है ना, उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, अगर आप चेक करना चाहें तो ज़रूर चेक करिएगा, बहुत ही यम्मी मठियाँ बनती हैं। अब आजकल शॉप्स तो बाहर खुल नहीं रही हैं तो फिर क्या करें, अब घर में ये चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी क्योंकि खाने का तो दिल करता ही है ना। तो बस मैं अब सोच रही हूँ कि आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ और आई होप कि आपको मेरा आज का ये डेली रूटीन का, मेरा आज का जो भी रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर करा है, तो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मिलती हूँ बहुत ही जल्द आपसे एक नई वीडियो में। सी यू सून, यू मी वी।